हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो प्यार से वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। तो रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा ऑनलाइन जॉब फेयर निकाले गए हैं अगस्त महीने में, तो किस किस जिले में निकाले गए हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या कुछ रखी गई है, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है ताकि हरियाणा के जितने बेरोजगार युवा साथी उनको इस ऑनलाइन जॉब फेयर के बारे में उनको जानकारी मिल सके। तो प्यार साथियों, चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले तो प्यार साथियों, आपको इंप्रूवमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है जो hrx.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट को आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप इंप्रूवमेंट बटन हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अपना अकाउंट है लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट की प्रोफाइल डिटेल दिखाई जाएगी। प्रोफाइल डिटेल दिखाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक इवेंट का, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। प्यार साथियों, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसके बाद ऑप्शन आता है जॉब फेयर का, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैंने जॉब फेयर पर क्लिक कर लिया है, इसके बाद यहाँ पर आपको जॉब फेयर देखने को मिल जाएंगे। तो किस किस ज़िले में निकाले गए, मैं आपको जल्द से जल्द बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके ऑनलाइन जॉब फेयर के बारे में। तो दोस्तों, तो सबसे पहले ज़िला आता है करनाल ज़िले में निकाले गए हैं, पलवल ज़िले में, यमुनानगर ज़िले में, सोनीपत ज़िले में, पानीपत ज़िले में निकाले गए हैं, फरीदाबाद ज़िले में निकाले गए हैं ऑनलाइन जॉब फेयर अगस्त महीने में। और प्यार साथियों, और भी दिखा देता हूँ मैं, फरीदाबाद ज़िले में, रोहतक ज़िले में, भिवानी ज़िले में, नू ज़िले में, कुरुक्षेत्र ज़िले में, हिसार ज़िले में ऑनलाइन जॉब फेयर है जो अगस्त महीने में निकाले गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक ज़िले के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। करनाल ज़िला फर्स्ट आता है, 24 अगस्त 2022 अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। तो करनाल ज़िले के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो प्यार साथी, आप देख सकते हैं करनाल ज़िले में कपिल देव जी हैं, यहाँ पर रोजगार कार्यालय कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। ऑनलाइन जॉब फेयर संबंधित कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो प्यार साथी, आप देख सकते हैं करनाल ज़िले में निकाले गए हैं ये, फर्स्ट नंबर पर जो देख सकते हैं, फर्स्ट में ये AHA रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड में निकाली गई, गुरुग्राम में, 18,000 सैलरी है, 35 वैकेंसी हैं। ठीक दोस्तों, तो इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ मांगा गया है। इसमें मांग रखा है ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 28 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली मेल कैंडिडेट, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 35 वैकेंसी है टोटल इसकी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है प्यार साथियों, सेकेंड नंबर पर जो बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड में है ये। ठीक दोस्तों, रिलेशनशिप ऑफिसर की पोस्ट है, 16,000 सैलरी, करनाल में, 2 वैकेंसी हैं। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद इसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है, अगर आपने कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्यार साथियों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो 18 साल से लेकर 26 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 2 वैकेंसी है टोटल, सेल्स का आपने काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो प्यार साथियों नेक्स्ट है, जो थर्ड नंबर पर जो विर्क हॉस्पिटल में निकाली गई है प्राइवेट लिमिटेड में, स्टाफ नर्स की जरूरत है, 12,000 सैलरी, करनाल में 4 वैकेंसी हैं। तो इसके अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद इसमें डिप्लोमा मांग रखा है, अगर आपने GNM का डिप्लोमा कर रखा है प्लस टू बेस पर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, स्टाफ नर्स का आपका काम रहने वाला है, 4 वैकेंसी टोटल। तो दोस्तों, करनाल में ये वीर हॉस्पिटल पड़ता है। इसके बाद जो वीर हॉस्पिटल में है, सेकेंड नंबर, चार नंबर पर है जो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, 9,000 सैलरी, करनाल में, 2 वैकेंसी है, ये वीर हॉस्पिटल में है। तो इसकी एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मांग रखा है ग्रेजुएशन BCA कंप्यूटर, अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो इसमें 18 साल से लेकर 40 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का ये आपका काम रहने वाला है, 2 वैकेंसी टोटल। इसके बाद जो नेक्स्ट प्यार साथी मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 नंबर पर जो वीर हॉस्पिटल में ये भी DNS 32,000 रुपये सैलरी है, 1 वैकेंसी है। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद अगर ने GNM का डिप्लोमा कर रखा है प्लस टू बेस पर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्यार साथियों। तो इसमें 23 साल से लेकर 44 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली फीमेल कैंडिडेट, 4 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नर्सिंग का आपका काम रहने वाला है, टोटल 1 वैकेंसी है। इसके बाद जो प्यार साथियों नेक्स्ट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 नंबर पर जो सितारा टूर एंड ट्रैवल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, 20,000 सैलरी, करनाल में, 3 वैकेंसी है,
अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद इसमें ये डिग्री मांग रखी है, ग्रेजुएशन की होती है ये, होटल मैनेजमेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म वगैरह ये मांग रखी है। अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 23 साल से लेकर 35 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 3 वैकेंसी इसकी। इसके बाद जो प्यार सत्य मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं जो 7 नंबर पे जो ज्ञानांचल एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में है, आईआरपी रिटेल पार्टनर की पोस्ट है, 19,000 सैलरी, पलवल में 10 वैकेंसी हैं। तो इसमें प्लस टू पास कैंडिडेट होना चाहिए, 22 से 40 साल के बीच एज मांग रखी है, ओनली मेल कैंडिडेट, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 वैकेंसी टोटल इसकी। ठीक दोस्तों, ये करनाल जिले के थे, मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट जिले पर। तो नेक्स्ट जिला आता है यमुनानगर जिला आता है। 5 सितंबर 2022 अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं यमुनानगर ज़िले का, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखाया गया है ज्ञानांचल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में है, आईआरपी रिटेल पार्टनर की पोस्ट है, 19,000 सैलरी है और 10 वैकेंसी यमुनानगर ज़िले में। तो प्लस टू पास कैंडिडेट होना चाहिए, 22 साल से लेकर 40 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल 10 वैकेंसी इसकी। तो ये था यमुनानगर ज़िले का। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़िले पर। तब नेक्स्ट ज़िला आता है, इसमें देख सकते हैं आप पलवल ज़िला, करनाल ज़िले की मैंने आपको बता दिया, पलवल ज़िले की दिखा देता हूँ। 25 अगस्त 2022 अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। पलवल ज़िले में ये दिखा रखा है, देख सकते हैं हम, जैसे कि मैंने बताया था ज्ञानांचल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में ये आईआरपी रिटेल पार्टनर की पोस्ट है, 19,000 सैलरी, पलवल में 10 वैकेंसी है। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आपने मार्केट एंड सेल्स मैनशिप पर 12वीं बेस पे कर रखा है अगर आपने कोर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 साल से लेकर 45 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल 10 वैकेंसी इसकी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना ताकि जितने भी हरियाणा के बेरोजगार युवा हैं उनको इस ऑनलाइन जॉब फेयर के बारे में उनको जानकारी मिल सके। तो प्यार सत्य, जैसे कि मैंने पलवल यमुनानगर करनाल की बता दी, अब सोनीपत ज़िले का आता है, 26 अगस्त 2022 अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहतक और पानीपत की अपडेट कर रखी है उन्होंने, ये आप देख सकते हैं। श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ये 22,000 सैलरी है, रोहतक में 100 वैकेंसी हैं। तो इसमें नो स्कूलिंग, कोई भी अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 55 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, 100 वैकेंसी टोटल इसकी। इसके बाद जो प्यार सत्यो, नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा देता हूँ, 2nd नंबर पर जो भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में है, 30,000 सैलरी, सेल्स मैनेजर की पोस्ट है, रोहतक में 18 वैकेंसी हैं। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 45 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल 18 वैकेंसी है इसकी। इसके बाद जो 3rd नंबर पर जो ज्ञानांचल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में है, आईआरपी पार्टनर की पोस्ट है और 19,000 सैलरी, पानीपत में 10 वैकेंसी है। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद इसमें अगर आपने प्लस टू कर रखी है आर्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 साल से लेकर 40 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए टोटल, और 10 वैकेंसी टोटल इसकी। तो ये थी प्यार सती और सोनीपत ज़िले में, ये रोहतक और पानीपत की अपडेट कर रखी थी जो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़िले पर। तो नेक्स्ट ज़िला आता है फरीदाबाद ज़िला आता है प्यार सतियो, 26 अगस्त 2022 अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फरीदाबाद की अपडेट कर रखी है उन्होंने, इंडिया फैशन चेकर की पोस्ट है, 11,134 सैलरी है, फरीदाबाद में 5 वैकेंसी हैं। अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे, अगर आपने 9वीं कर रखी है पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 35 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, 11 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चेकिंग अकॉर्डिंग टू ये आपके काम रहने वाला है, टोटल 5 वैकेंसी इसकी। इसके बाद जो प्यार सती फरीदाबाद ज़िले में जो नेक्स्ट है इंडिया फैशन में, ये भी 12,276 सैलरी, फरीदाबाद में 3 वैकेंसी हैं। अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे, अगर आपने नो स्कूलिंग कोई भी पढ़ाई नहीं कर रखी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 साल से लेकर 40 साल के बीच आपकी, ठीक है दोस्तों, एज होना चाहिए, ओनली मेल कैंडिडेट, 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 वैकेंसी टोटल इसकी। इसके बाद जो प्यार सती 3rd नंबर पर जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ज्ञानांचल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में आई आईआरपी रिटेल पार्टनर की पोस्ट है, 19,000 सैलरी, फरीदाबाद में 10 वैकेंसी हैं। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद इसमें प्लस टू पास कैंडिडेट होना चाहिए,
22 साल से लेकर 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट, 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल 10 वैकेंसीज की। तो परिस्थिति ये थी फरीदाबाद ज़िले की, मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़िले पर, तो प्यार सत्य रोहतक ज़िले की मैं आपको दिखा देता हूँ। 30 अगस्त 2022 अप्लाई करने की लास्ट डेट है रोहतक ज़िले की, ये आप देख सकते हैं। बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग में है ये, रिलेशनशिप ऑफिसर की पोस्ट है, 16,000 सैलरी। रोहतक में 2 वैकेंसी हैं, ग्रेजुएशन मांग रखी है, 18 से 26 साल के बीच एज होना चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, सेल्स का काम करना है, 2 वैकेंसी हैं। तो ये रोहतक ज़िले की आप देख सकते हैं, आप अपनी आईडी लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब चलते हैं नेक्स्ट ज़िले पर। तो नेक्स्ट ज़िला जो आता है प्यार साथियों, भिवानी और नू और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ज़िले की मैं आपको दिखा देता हूँ, 19 अगस्त 2022 अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ये आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र ज़िले में दिखाए गए हैं ये 3 ऑनलाइन जॉब फिर है, जो 3, 4 और 5 नंबर पर आई। 17,000 सैलरी, 18,000 और 19,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड में है ये, और नीचे जो 5 नंबर पे जो ज्ञानांचल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में है, जो 19,000 सैलरी इसमें दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 3rd नंबर पे है इसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है, 20 से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, 5 वैकेंसी टोटल इसकी। ठीक है प्यार साथियों, तो ये कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद इन ज़िलों में ऑनलाइन जॉब फेयर निकाले गए थे, मैंने आपको पूरी जानकारी आपको बता दी है। बाकी आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, आप अपनी आईडी लॉग इन करके जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस किस ज़िले में ऑनलाइन जॉब फेयर निकाले गए थे, मैंने आपको पूरी जानकारी आपको बता दी है प्यार साथियों। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना, ताकि जितने भी हरियाणा के बेरोजगारी युवा हैं उनको इसके ऑनलाइन जॉब फेयर के बारे में उनको जानकारी मिल सके। अगस्त महीने में ये ऑनलाइन जॉब फेयर निकाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है 8वीं 10वीं 12वीं UG PG IIT डिप्लोमा जो भी कर रखा है, तो आप इसमें आवेदन ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।